तो एक गवई भाषा में, देखो भाषा मुझे भी आती है, मैं कोले का भी पढ़ाई में पढ़ाई हुआ हूं, कोई मुरब्बा तो हूं नहीं मैं, पर एक गवई भाषा में, क्योंकि गवई होना जरूरी हो गया भारत को। अब बड़ी जल्दी सब लौट आएंगे, देखना आज व्यासपीठ कह रही है ना, बहुत जल्द देखोगे चारों तरफ से गवई भाषा आने लगेगी। पता है भारत को यही चाहिए, वो इंग्लिश इंग्लिश तो थोड़ा सीख साख के रखते हैं तो बोल सके, लेकिन हाँ ये चीज अपने भीतर में बिठा लो आप लोग। अगर आपके इंग्लिश के ग्रामर गलती हो रहे हैं तो बिल्कुल लज्जा का विषय नहीं, हम कोई अंग्रेज हैं। हिंदी में गड़बड़ हो रहा है तो शर्म का विषय। यही जन्म लेके बाप दादा परदादे वही बोलते थे, तुमको वो भाषा भी नहीं आती, बेशर्म निर्लज्ज। पर मानदंड कैसा तय किया इन 30-40 सालों में लोगों ने कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अच्छा आदमी नहीं है, वो अनपढ़ है, इनके बच्चे बढ़िया से कख गगा नहीं बोल पा रहे हैं। ये क्या है बोलो इसको, एक बच्चे से जनार्दन बुलवा के थक गया, दनंदन दनंदन बोले, जन 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 हम के जनार्दन बोल, जन 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 जनार्दन बोल, जन 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 बोल ही नहीं पाया, उसका जीव ही काम नहीं कर रहा। तो गरिमा दो अपनी हिंदी को, झारखंड की भाषा को गरिमा दो, जहां रहते हो अपनी लोकल भाषा को गरिमा दो। हाँ उस भाषा में बात करो उसकी गरिमा, बगल में कोई आकर के ज्यादा टर टर करे तो बस इतना खाली कर दो, देसी मुर्गी बिलाई ती बोल बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तुम उनका हंसी उड़ा दो, उनके मजाक उड़ा दो। मुझे जब जब रिपब्लिक टीवी के इंग्लिश उसमें रोज ही बोलते हैं बैठ जाइए अर्नब बोलते हैं, मैं बोलता हूं सर देखिए है क्या, हमें पूरा हिंदी बोलूंगा। पर आप इंग्लिश बोलते तो हो हमको ठीक है, लेकिन बोलूंगा हिंदी बोलो। तो एक आक लाइन इधर उधर करके और दो चार ठो ग्रामर गलती करके हमके हिंदी में बोलूं क्या, बोला हाँ बोली बोली। हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा, और अपनी भाषा में बात करिए, गौरव करिए। हाँ इंग्लिश भी आती है इतना, अगर बोले इंग्लिश आता, हाँ आता है थोड़ा बहुत आता है। एक माँ तो अपने बच्चे को इतना मार मारी मेरे सामने, 5 साल का उसका बच्चा था और 2 साल का उसका था, वो अंग्रेजी बोल रहा था, अरे 5 साल वाली, वो 2 साल का है सब सीख गया, कर रहा कुछ नहीं सीखता है। बाद में पता चला कि वो अंग्रेज का बेटा था और ये हिंदी यहां पैदा लिया था। अब बताओ अंग्रेज जो वहां इंग्लैंड में रहा है वो तो बचपन से अंग्रेजी बोलेगा, इसको इन्फीरियरिटी हो गई कि 2 साल का बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है और तू हिंदी बोल रहा है। जाके 10 साल के बच्चे से भोजपुरी बोलवाओ तो अंग्रेज में, पूछो किसी अंग्रेज की औलाद से भोजपुरी बोल है, हम नहीं बोल सकता है, बताओ उसके कौन से ग्रामर सही है, हम जाति है, अबे जाति नहीं जाता है, जाता है हाँ, उसके कौन से ग्रामर सही है बोलो, एक अंग्रेज के कौन से हिंदी के ग्रामर सही है, फ्रेंच बोलने वाला कौन सा भोजपुरी का ग्रामर सही बोल रहा है, बट उनके भीतर कोई इन्फीरियरिटी नहीं है, उनके भीतर सम्मान है अपने देश, अपनी फ्रेंच के लिए, अपनी जर्मन के लिए, अपनी रशियन के लिए, अपनी जापानीज के लिए, अपनी चाइनीज भाषा के लिए। एकमात्र देश जो अपनी संस्कृति के गौरव के कारण विश्वगुरु कहलाता था, आज वो देश सो कॉल्ड 20% अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के चक्कर में फंस के अपने आप को इंफीरियर साबित कर लिया, इंफीरियरिटी हो जाती। ये कितने माता पिता हमारे हैं बेचारे, बच्चे लोग आके मनो मामा यू डोंट नो यू नाउ डिस, पटाक से मारो एक बार, बोला हिंदी बोल, भोजपुरी में 2-4 झापड़ लगाओगे तो भोजपुरी शुरू कर देगा वो, यहाँ का झारखंड का भाषा, You are, पटाक पटाक पटाक, ओरिजिनल भाषा उसकी आ जाएगी, इतना क्यों मार रही हो मम्मी, इतना क्यों मार रही हो, हाँ आप बोल, उसको वो भाषा सिखाओ। कुछ गहरे कारण होंगे, मैं कोई हंसा नहीं रहा, तुम्हारी जिंदगी की इन्फीरियरिटी चली जाएगी, ये धीरे धीरे बड़ी व्यापक तौर से फैल रहा है,
बहुत व्यापक तौर से। मुझे दुनिया का कोई भी मंच मिले, मेरा पहला शर्त होता है हिंदी बोलूंगा।